अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, एक नई राष्ट्रीय एजेंसी बनाई गई है आपकी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसे आप लोग नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। और ये आपकी कुछ खास परीक्षाओं को आयोजित करेगी, और अब आपको अलग अलग तरह से, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, IBPS हो गया, इस तरह के अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक ही पेपर देंगे आप लोग, उसी के तहत आपको इन विभागों में नौकरी मिल जाएगी। तो वैसे सामान्य जानकारी के लिए इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे, लेकिन अगर सिविल सर्विस या स्टेट PCS में आपका मेंस में क्वेश्चंस बन सकता है, तो दृष्टि IAS आर्टिकल निकालता है, और इसका आर्टिकल मैं देखता हूं कि बेहतरीन रहता है, सबसे बढ़िया आर्टिकल IAS के लिए इसका निकलता है। तो उसी ने निकाला है, तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या इसके सभी पक्षों की बात करेंगे इसमें, यानी कि इसमें सभी पक्षों को समझाया गया है बहुत बेहतर तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए कई भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना पड़ता था। अभी आप देखते थे कि SSC का पेपर आप दे रहे, अलग दे रहे हैं, रेलवे का पेपर अलग दे रहे हैं, IBPS का जो पेपर होता था ये अलग तरह से दे रहे हैं आप लोग, इसके लिए सिलेबस भी अलग अलग होता था, तो आप उसमें भी भ्रमित रहते थे। और कभी कभी आप देखते थे कि एक ही दिन दोनों पेपर पड़ जाते थे, दो परीक्षाओं के, तो आपको एक छोड़ना पड़ता था। इन सभी समस्याओं का एक तरह से आप समझिए कि इससे समाधान हो जाएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा। NRA के आगमन के बाद पूरी प्रक्रिया एकीकृत हो जाएगी, और छात्रों और एजेंसियों के लिए बोझिल प्रक्रिया को आसान बना देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA की। NRA एक बहु एजेंसी निकाय होगी, जिसके शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRV, IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे इसमें। और एक बात और याद रखिए, लास्ट में मैं बता दूंगा कि MP ने देखा है कि MP के जो शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री हाल में, इन्होंने कहा है कि हम इसी के तहत हम लोग अपने जो भी राज्य की नौकरी होंगी उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो बात करेंगे बाद में कि क्या सिलेबस रहेगा, उसका क्या होगा प्रक्रिया। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होगी। नई व्यवस्था के अनुसार सरकारी नौकरियों के इच्छुक सभी उम्मीदवार NRA द्वारा आयोजित एक सामान्य योग्यता परीक्षा CET में केवल एक बार हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे सामान्य योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर उच्च स्तरीय की परीक्षाओं के लिए किसी भी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। और ये परीक्षा आपकी याद रखिए साल में दो बार होगी। सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, और इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि में खर्च किया जाएगा। कितने? 3 वर्षों की अवधि में। अब बात करते हैं गठन की आवश्यकता क्यों है आखिर। वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता के समान शर्तों वाली विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है, जिसके कारण उम्मीदवारों को अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, और साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। इससे उम्मीदवार पर अधिक आर्थिक बोझ काफी हद तक बढ़ जाता है। तो आपको इस तरह से आप सोचिए कि कई तरह का फायदा होगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि अलग अलग आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, आप अभी SSC का फॉर्म डाल रहे हैं तो अलग आपको शुल्क उसमें जो भी फीस होती थी लगती थी, आप रेलवे का डाल रहे हैं तो अलग लगती थी, लेकिन इस सबसे भी कमी हमारी आएगी, मतलब इन सबसे भी छुटकारा मिलेगा। और अभी आपको जाना पड़ता था, आप देखते थे कि कई 100 किलोमीटर आपको जाना पड़ता था पेपर देने के लिए, तो उससे भी मुक्ति हमें मिलेगी। इसके अलावा अलग अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ साथ परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एजेंसियों पर भी कार्य के बोझ को बढ़ा देती, जिसमें बार बार होने वाला खर्च, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। आप जानते हैं कि एक अगर
अलॉट किया जाता है सेंटर, तो कितना खर्च आता है, वहाँ की पूरी व्यवस्था देखी जाती है। और आप देखते हैं कि साल में कितने पेपर होते रहते थे, तो कम से कम एक तरह से ये भी इससे भी मुक्ति ही मिलेगी। और एक बात और याद रखिए, अभी केवल सेंट्रल ने, मतलब सेंट्रल जो भी SSC बैंक, बैंक IBPS और रेलवे की जो नौकरी निकालता है, इनके लिए था, अभी राज्यों पर ये लागू नहीं होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान साहब ने कह दिया कि हम इसी के तहत करवाएंगे। और इसके तहत आप देखेंगे कि प्राइवेट जो भी इस तरह के इंडस्ट्रीज हैं, तो वो भी इसके तहत कर सकते हैं। अपने यहाँ इस तरह की कोई योग्यता रखते हैं कि आपके नंबर के आधार पर आपको नौकरी दी जाएगी, तो वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का विज्ञापन किया जाता है, जिनमें तकरीबन 2.5 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। कितने? 2.5 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। एक बात याद रखिए, लेकिन इसमें आप IAS और PCS इस तरह के एग्जाम में ये इनसे कोई इसका वास्ता नहीं है, ठीक है, याद रखिए। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि CET मुख्यतः 3 स्तर पर आयोजित की जाएगी, यानी कि स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं और मैट्रिक यानी कि 10वीं। एक बात याद रखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपने 10वीं, 12वीं और BSc की है, ठीक है, तो आप 10वीं का वही लोग दे पाएंगे जो 10वीं पास हैं, ठीक है, और 12वीं के वो लोग, 12वीं का जो 12वीं उत्तीर्ण किए हुए, वो 10वीं का भी दे सकता है, वो 12वीं का भी दे सकता है। और अगर आपने BSc की है तो आप तीनों दे सकते हैं, 10वीं दे सकते हैं, 12वीं दे सकते हैं और स्नातक भी दे सकते हैं, ठीक है, आपके पास तीनों ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10वीं वाला स्नातक की दे दे या 12वीं की दे दे तो आप उसके योग्य नहीं होंगे, ठीक। तो ये 3 स्तरों पर आयोजित की जाएंगी, 10वीं, 12वीं, स्नातक। SSC, RRB और IBPS जैसी एजेंसियां यथावत बनी रहेंगी। सामान्य योग्यता परीक्षण के अंकों के स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए परीक्षा का आयोजन संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये सबसे बढ़िया बात है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को काफी लाभ प्राप्त होगा। अभी देखते थे, मैंने कई बार देखा है कि SSC का जो एग्जाम सेंटर होता था वो छोटे जिलों में नहीं दिया जाता था, तो उससे कई लोगों को परेशानी होती थी। और इसमें अधिकतर आप देखेंगे कि लड़कियों को कुछ ज्यादा ही परेशानी होती थी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लड़का तो आराम से चला जाता है, लेकिन लड़की के लिए घर वाले जाना पड़ता है, फिर सोचनी है कि कौन जाए वहाँ, तो इस तरह का भी प्रॉब्लम होती थी। तो आप भी समझ सकते हैं कि आप भी उसी परिवार में रह रहे हैं, उसी समाज में रह रहे हैं, तो कितनी समस्याओं को झेलना पड़ता है। देश भर के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी कि पिछड़े, जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उम्मीदवारों को CET में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। यानी कि आप सोचिए कि 2020 में आपने पेपर दिया है, या 2021 में पेपर, आपने मान लीजिए 2021 में पेपर दिया शुरू में, ठीक है, तो आपने पेपर दिया है तो आपके नंबर अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो आप उसे 3 साल के लिए उपयोग कर सकते हैं। जब भी इस तरह की नौकरी निकलती है तो आप उनमें अपना मतलब डाल सकते हैं, अपने अप्लाई कर सकते हैं, और ये अंक 3 साल के लिए मान्य होंगे। और याद रखिए, अगर आपका लगता है कि पहले वाले अंक आपके कम है, फिर आप दूसरा पेपर देते हैं, दूसरी बार जब निकलता है तो उसमें भी कम है, तो तीसरी बार आप पेपर देते हैं, तो उनको भी अंक ले सकते हैं आप लोग। जब भी आप पेपर दे रहे हैं और उन्हीं अंकों के आधार पर आप 3 साल के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार पेपर दे दिया बस आप निपट गए, आपको दोबारा पेपर नहीं देने दिया जाएगा, नहीं, आप दोबारा भी दे सकते हैं, हर बार दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि CET का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रमों की तैयारी करते थे, यानी कि अलग अलग सिलेबस की तरह पढ़ते थे, ठीक है। कई बार आप देखते हैं कि SSC में मैथ अलग तरह का पूछ लेता है, रेलवे में कम तरह का पूछता था, अच्छा मतलब लो लेवल का। एक बात और आपको बता दूं, लेकिन अब पेपर हाई बनेंगे, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपका CET की तरफ पेपर होता है इसके तहत, तो आपका पेपर हाई बनेगा। SSC का आप लोग पेपर देखते हैं, जो GS में, देखिए मुझे मैथ का ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है उसमें, लेकिन SSC में GS जो पूछती है, IAS यानी कि स्टेट PCS या सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले भी भ्रमित हो जाते हैं, इतनी खतरनाक GS पूछी जाती है।
तो आपको थोड़ी अपना लेवल भी बढ़ाना होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसियों में एजेंसी में शामिल परीक्षाएं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA द्वारा ग्रुप बी ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा शुरुआत में उन परीक्षाओं के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो मुख्यतः अब कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS द्वारा संचालित किया जा रहा था। ये सभी नौकरियां आपकी इसी के तहत होंगी। ठीक है, उपयुक्त परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के बाद इस बहु एजेंसी निकाय के अंतर्गत कई अन्य परीक्षाओं को भी शामिल किया जा सकता है। अभी किया नहीं गया, अभी इन्हीं को शामिल किया गया, आगे कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया ना कि प्राइवेट वाले भी जो कंपनी वाले हैं वो भी इसके तहत अपने यहाँ नौकरी दे सकते हैं। ठीक है, कह देंगे कि इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर जिसके हैं वो हमारे यहाँ नौकरी कर सकता है। तो आगे देखने को मिलेगा कई तरह के बदलाव। ठीक है, अब बात करते हैं संबंधित चुनौतियां, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें अच्छाई भी होती है तो कुछ कठिनाई भी होती है, कुछ समस्याएं भी होती हैं। तो चलिए संबंधित चुनौतियों की बात करूं तो निजी क्षेत्र में सेवाओं को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के साथ भविष्य में कम सरकारी नौकरियां सृजित होने की आशंका है, यानी कि भविष्य में आप देखेंगे कि कम नौकरियां में मिलेंगी, क्योंकि अभी अलग अलग विभाग की तरह निकलती थी जो आप देखते थे कि अधिक नौकरियां मिलती थी। केवल 14% सार्वजनिक रोजगार केंद्र मुख्य रूप से रेलवे में और रक्षा में के दायरे में आते हैं, जबकि शेष भर्ती परीक्षाएं राज्य के दायरे में आती हैं। एक बात और बता दूं आपको, रेलवे का आप देख रहे हैं कि प्राइवेटेशन हो रहा है तो भी कम ही नौकरियां हो रही हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो कब सरकार की तरफ से कम ही नौकरियां निकलेंगी। इस तरह के सुधारों की दीर्घकालिक प्रासंगिकता सार्वजनिक रोजगार के स्तर को बढ़ाने और जनता तक सेवाओं का विस्तार करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। लाभ की बात करूं तो सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि CET के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए कई परीक्षाओं में उपस्थित होने की परेशानी को दूर किया जा सकेगा, चूंकि परीक्षा केंद्र सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इससे दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार भविष्य में केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें आप देखेंगे कि लड़कियां महिलाएं भी अच्छी खासी तादाद में पेपर में बैठेंगी, क्योंकि उनके जिले में रहेगा, उनके आसपास रहेगा केंद्र सेंटर, तो वो आराम से पेपर दे सकती हैं। ठीक है, प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र की अवस्थिति से सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों और विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को भी अधिक लाभ होगा। रोजगार के अवसर को लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे युवाओं की जिंदगी और आसान हो जाएगी। वर्तमान में उम्मीदवार को बहु एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने ठहरने और अन्य चीजों पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि CET जैसी एकल परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। एक बात आप लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि अगर एक पेपर आप देने जा रहे हैं तो कितना खर्च आता है, इससे आप लोग अगर पेपर देने गए हैं 200 से 300 किलोमीटर दूर, तो आप बेहतर समझते होंगे कि आप पर कितना आर्थिक रूप से कितने आप पर इसका भार पड़ता है। सामान्य योग्यता परीक्षा अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी या देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर को प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाएगा। इससे परीक्षा के प्रारूप में मानकीकरण स्थापित किया जाएगा और सामान्य योग्यता परीक्षा CET के माध्यम से परीक्षा आयोजन के में विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले खर्चे में कमी आएगी। एक अनुमान के अनुसार इसके कार्यान्वयन से लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद है। कितना? 600 करोड़ रुपए। विशेष रूप से पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को यात्रा, आवास, अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा जो आमतौर पर उनके गृह नगर से दूर होते हैं। महिलाएं आमतौर पर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में अभिभावक, पिता, भाई, पति पर निर्भर रहती हैं, और यदि उनके गृह नगर से बहुत दूर है तब आप देखते हैं कि कोई ना कोई उनके साथ जाता है। हर जिले में परीक्षा केंद्रों का स्थान उम्मीदवारों विशेषकर महिलाओं को लाभान्वित करेगा। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि नेशनल रिक्रूटमेंट
एजेंसी को एक अद्वितीय मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह सरकारी भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। एनआरए उम्मीदवारों के लिए सुविधा और लागत प्रभावशीलता का एक संयोजन है। निश्चित तौर पर यह उन उम्मीदवारों को बोझ को कम करेगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियां करते हैं। ये तो था आपका एनआरए, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश का और बाकी स्टेट का, आपके मध्य प्रदेश के बच्चों के कुछ ज्यादा ही सवाल हैं कि उनके मन में सबसे पहले तो यही है कि अगर इसके तहत हमारी स्टेट की नौकरियां होती हैं और हमें पेपर इस तरह देना पड़ेगा तो देखिए मेरे यहाँ के सिलेबस का क्या होगा। तो मुझे अभी लगता है कि आपके जो शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, ये अभी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई तरह के निर्णय ले रहे हैं। एक आपने देखा है कि लिया है कि वो हमारे यहाँ जिनका जन्म हुआ है उन्हीं लोगों को नौकरियां देंगे, तो इस तरह के फैसले पहले भी लिए गए लेकिन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए। कई राज्यों में आपने देखे इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तो ज्यादा दिमाग पर प्रेशर मत दीजिए और अभी आगे देखने को मिलेगा जो भी होगा। और अभी आप जिस मॉडल यानी कि जिस सिलेबस से पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ें। सबसे पहले तो एमपी में नौकरी तो आए तब तो आप दिमाग लगाएंगे कहीं, तो इसलिए अभी आप उसी सिलेबस पर पढ़िए और ज्यादा दिमाग मत लगाइए और एमपी जीके पर विशेष ध्यान दीजिए एमपी वाले, क्योंकि देखने को मिलता है कि वहां एग्जाम में एमपी जीके कुछ अधिक ही पूछा जाता है आपको। ठीक है,